एक भी वीडियो, एक भी फोटो दिखा दीजिए कि किसानों ने एक भी रास्ता रोका हो तो। जहां पे भी पुलिस बैरिकेडिंग की गई है, जहां पर भी कटीले तार लगाए गए हैं, जहां पर भी बड़े बड़े ट्रोलों को खड़ा किया गया है, जहां पर गड्ढे खोदे गए हैं, सारे का सारा पुलिस, हरियाणा पुलिस ने किया है। क्यों मोदी सरकार को अके बदनाम करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं ना, आप संभल जाएं। आप ना तो मेरे सिख भाइयों को बदनाम करें, सिख को तो मोदी सरकार तेरे लिए रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पंजाब के किसानों के दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है, तो ना काटिले तार लगा दिए। अगर प्रधानमंत्री जी आपको इतनी ही चिंता थी तो चाइना बॉर्डर पर अगर इतने काटिले तार, इतनी सुरक्षा की गई होती, किसान हितैषी सरकार होती, तो इन्होंने बीजेपी के ऑफिस हर क्षेत्र में जा जाके तीन तीन मंजिला बीजेपी के ऑफिस बनाए। क्यों नहीं इन्होंने किसानों के लिए मंडियों में बड़े बड़े टीन डाल के क्यों नहीं छतें बनाई? नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। हाल ही में जो दोबारा किसान आंदोलन जो शुरू हो चुका है और उसको पार्ट टू जो नाम दे दिया जा चुका है, उसके बाद किसानों की जो चीज़ें करी जा रही हैं किसानों के लिए, आपने देखी ही होंगी जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर, शंभू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर तमाम तस्वीरें नज़र आ रही हैं कि सीमेंट की बैरिकेडिंग कर दी गई है, कि जो कीलें हैं वो ज़मीनों पर बिछा दी गई हैं, गाड़ दी गई हैं किसानों के लिए। और उसके बाद तमाम लोग इसमें ये चीज़ बोल रहे हैं कि किसान क्या आतंकवादी हो गए हैं जो उनके लिए इतनी बैरिकेडिंग और इतनी सख्ती करी जा रही है, पुलिस की पाबंदी करी जा रही है। इसी चीज़ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुदेश गोयल जी। सर, मैम क्या कहेंगे इस चीज़ पे आप? मैं ये कहूँगी कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है हमारे देश में। तानाशाही सरकार है, जो सरकार चाहती है वही हो रहा है, सरकार जो दिखाना चाहती है वो टीवी चैनल, कोई एक भी टीवी चैनल ऐसा दिखा दीजिए, एक ये संदीप चौधरी हैं वो सच बोलने की हिम्मत करते हैं, रवीश कुमार जी हैं वो अपने पेज से सच्चाई दिखा रहे हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो सच का साथ दे रहे हैं। नहीं तो बिका हुआ मीडिया बोलूँगी मैं उनको, कि उन्होंने अपनी ईमान, अपना मान बेच चुके हैं, तो उनको मैं यही कहूँगी कि देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तो मतलब देश का लोकतंत्र इस कदर ख़त्म हो चुका है कि किसानों को प्रदर्शन करने तक का अधिकार छीन लिया गया है? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि रोडों पे जो कीले लगाई जा रही हैं, पुलिस के द्वारा लगाई जा रही हैं, इतने कटीले तारे लगाए जा रहे हैं, क्या सरकार को हक है ये रोड जाम करने का? अगर कोई आम आदमी रास्ता रोकता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, फटाफट उसको जेल में डाला जाता है, तो क्या खट्टर सरकार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? मैं चाहती हूँ कि खट्टर से कोई भी वकील भाई अगर जानता है कानून इसके बारे में, तो वो इसके ऊपर आवाज़ उठाए, हरियाणा सरकार के ऊपर केस करे। जो हरियाणा सरकार ने रोडों पे किले गाड़ी गई हैं, लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, वो सारा हरियाणा सरकार की वजह से हो रही है। किसानों ने तो कहा था कि 13 तारीख को वो वहाँ से अपने घरों से चलेंगे, तो 3 दिन पहले जब रास्ते रोके गए, लोगों को आने जाने में तकलीफें हुई, उसकी जिम्मेवारी सारी खट्टर सरकार की है। जो सरकार है वो ये चीज़ बोल रही है कि अगर किसानों को वापस आने दे दिया इधर दिल्ली का घेराव करने के लिए, तो लाल किले वाली जो चीज़ें पिछले आंदोलन में हुई थी वो दोहराई जाएंगी, ITO पे जो घटना, जो किसान स्टंट कर रहे थे, वो चीज़ें दोहराई जाएंगी, इस वजह से उनको आने नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने जो पिछले लाल किले पे क्या किया था, किसानों ने एक सिर्फ वो धार्मिक एक झंडा लगाया था अपना, खालसा का जो झंडा था वो लगाया था, तो वो कोई अलग से कोई आतंकवादियों का झंडा नहीं था जो भी लगाया गया था। जब भी फौज में भी, जब भी कहीं पे भी सिख रेजिमेंट वगैरह होती है, वहाँ पे भी वो झंडा इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री जी खुद गुरुद्वारे में गए थे, वही झंडा येलो कलर का प्रधानमंत्री जी अपने माथे पे बांधे हुए थे, तो अगर किसानों ने वहाँ लगा दिया, और जिन किसानों ने लगाया था वो बीजेपी के लोग भेजे हुए थे, वो सिर्फ किसानों को बदनाम करने की कोशिश की हुई थी। कल रात को भी शंभू बॉर्डर पे भी इन्होंने क्या किया कि किसानों के कपड़े पहना के एक पुलिस वाले को, सिपाही को वहाँ पे भेजा हुआ है। सरकार अपने लोगों को, हमारे किसानों को बीच में भेजती है और खुद जानबूझ के ऐसे गलत काम करते कि पुलिस के ऊपर पथराव करवाना, किसानों को बदनाम करने के लिए। किसानों ने ना तो कभी पहले कोई अपना ये किया था, जिस दिन किसान हाथ उठाएगा उस दिन किसान पीछे नहीं हटेगा, और उस दिन किसान को कोई रोक नहीं पाएगा। मैं बताना चाहती हूँ मोदी सरकार को कि बदनाम करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं ना, आप संभल जाएं। आप ना तो मेरे सिख भाइयों को बदनाम करें, सिख को तो मोदी सरकार तेरे लिए रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सिख आपसे रुकने वाले नहीं हैं, लेकिन मजबूरी सिखों की ये है कि उनके सामने जो खड़े हैं वो यूनिफॉर्म में हमारे किसान के बेटे हैं, हमारे किसानों के भाई हैं, मजबूरी ये है। अगर सामने दुश्मन होते तो आपने इतिहास उठा के पढ़ लीजिए प्रधानमंत्री जी, जहाँ 40-40 सिख भाइयों ने कितने हजारों, 10-10 हजार लोगों का सामना किया था, जो उनके सामने जो किसान, जो खुद पुलिस जो है, किसान अपने
बेटे मान रही है, जो किसान का बेटा है, लेकिन वही लोग उन पे गोलियां चलवा रहे हैं, बैरिगेटिंग कर रहे हैं और ऊपर से ड्रोन से आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो यूनिफॉर्म में है वो मजबूर हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनको जो ऑर्डर मिलता है, उनके ऑफिसर जो उनको ऑर्डर देते हैं वो उसका पालन कर रहे हैं, वो मजबूरी है उनकी। लेकिन हम लोग तो मजबूर नहीं ना, हम अपने भाइयों को जो ड्यूटी कर रहे हैं हम उन पे हाथ नहीं उठा सकते। किसानों के हाथ बंधे हुए हैं, और ना क्या लगता आपको पंजाब के लोग रुकने वाले हैं? अब तक तो दिल्ली पहुंच गए होते अगर सामने दुश्मन खड़ा होता तो। लेकिन भारत सरकार हमारे पंजाब के किसानों के साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार कर रही है। उनको लग रहा है कि पंजाब और हरियाणा के बीच में जो बॉर्डर है वो हमारे देश का नहीं मान रहे, वो उनको लगता कि जैसे पाकिस्तान के अंदर है पंजाब। तो पंजाब को क्या प्रधानमंत्री जी अपने देश का हिस्सा नहीं मान रहे क्या, जो इतना काटिले तार लगा दिए? अगर प्रधानमंत्री जी आपको इतनी ही चिंता थी तो चाइना बॉर्डर पर अगर इतने काटिले तार, इतनी सुरक्षा की गई होती तो हजारों किलोमीटर जो जमीन पे आज चीन कब्जा करके बैठा हुआ है वो आज हमारे पास होती। और उन्हीं किसानों की वजह से आम जनता को जो तकलीफ सहनी पड़ रही है, जो चीज़ें देखी जा रही है, आम जनता में इतना गुस्सा दिख रहा है कि किसान आ रहे हैं उनकी वजह से बैरिगेटिंग कर दी जा रही है, तो पूरा बॉर्डर है पूरा जाम कब पड़ा है। मैं आम जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप समझें, जो न्यूज़ चैनलों पर दिखाया जा रहा है जो वो सिर्फ किसानों को बदनाम करने के लिए दिखाया जा रहा है, किसानों ने कहीं पर भी रास्ता नहीं रोका है। अगर कहीं पर भी एक भी वीडियो, एक भी फोटो दिखा दीजिए कि किसानों ने एक भी रास्ता रोका हो, तो जहाँ पर भी पुलिस बैरिकेटिंग की गई है, जहां पर भी कटीले तार लगाए गए हैं, जहां पर भी बड़े बड़े ट्रोलों को खड़ा किया गया है, जहां पर गड्ढे खोदे गए हैं, सारे का सारा पुलिस, हरियाणा पुलिस ने किया है। किसानों को फालतू में बदनाम कर रही है। और जो मेरे भाई बहन घर बैठ के सिर्फ न्यूज चैनलों पे विश्वास करते हैं उनको मैं पूछना चाहती हूँ, तुम लोग तनख्वाह लेते हो हर महीने 30 तारीख को तुम्हारे घर तनख्वाह आ जाती है, तुम्हारे घर का चूल्हा ठीक चल रहा है, लेकिन आप सोच के देखिए 6 महीने तक किसान अपनी फसल का सेवा करता है, छोटे बच्चे की तरह पालता है, और उसके बाद मंडी में भी ले जाता तो उसका भाव नहीं मिलता उसको, और कभी ऊपर से बारिश हो जाती है तो उसके सामने, उसकी आंखों के सामने वो अनाज कैसे बहता हुआ मंडी में घूम रहा होता। अरे दे किसान हितैषी सरकार होती तो इन्होंने बीजेपी के ऑफिस हर क्षेत्र में जा जाके 3-3 मंजिला बीजेपी के ऑफिस बनाए। क्यों नहीं इन्होंने किसानों के लिए मंडियों में बड़े बड़े टीन डाल के क्यों नहीं छतें बनाई? क्यों नहीं इन्होंने कहा कि हमारे किसान का अनाज जब मंडी में आ जाएगा तो उसके बाद हम ना उसको भीगने देंगे ना बर्बाद होने देंगे? क्यों नहीं टाइम पे खरीदती है? ये स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन को तो भारत रत्न दे रही है, लेकिन स्वामीनाथन जी जो किसानों के हितों के लिए बना के गए कानून उनको लागू क्यों नहीं करी सरकार? लेकिन फिर भाजपा सरकार क्यों बदनाम करेगी किसानों को इस तरीके की चीजें करके? क्योंकि भाजपा सरकार खुद बोलती है कि हम किसानों के लिए समर्पित सरकार है, 2014 के बाद से जिसने काम करा किसानों के लिए वो भाजपा सरकार है। कौन सा काम किया इन्होंने? आमदनी दुगनी की बात की थी इन्होंने, तो लागत दुगनी कर दी है इन्होंने। खाद का कट्टा जो 50 केजी का आता था, भाजपा सरकार ने पहले 5 केजी काटा, उसको 45 का कर दिया, 5 केजी और कम कर दिया। 50 केजी जो खाद आती थी बोरे में वो आज 40 केजी आ रही है, और पैसा जो लग रहा था उससे भी दुगना कर दिया इन्होंने। तो कौन सा, ये किसी की हितैषी नहीं है, ना ये किसानों की हितैषी है, ना ये जवानों की हितैषी है, ना युवाओं की हितैषी है, बेटियों की तो हो ही नहीं सकती। आपने मणिपुर में देखा होगा कैसे बेटियों को नंगा करके घुमाया गया, तो ये किसी की, ये सिर्फ 2-4 उद्योगपतियों की समर्थक है ये पार्टी, और किसी की नहीं है। तो किसानों को खालिस्तानी फिर से क्यों कहा जा रहा है, गुंडा कहा जा रहा है किसानों को? देखिए इनके हाथ में पावर है, ये कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मीडिया इनके कहे में है, तो ये जो कहेंगे, कभी ये हमें आतंकवादी बोलते हैं, कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी आंदोलनजीवी बोलते हैं, लेकिन हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं, अन्याय सहने वालों में से नहीं हैं। हमारी रगों में क्रांतिकारियों का खून है, ना हमारे बाप दादाओं ने कभी अन्याय सहा और ना उनकी औलादें सहेगी। ये माफी वीरों की औलाद, इनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों के तलवे चाटे थे, अंग्रेजों की गुलामी की थी, आज भी ये लोग उद्योगपतियों की गुलामी कर रहे हैं। आज भी इनकी बीजेपी पार्टी के जो डॉक्टर स्वामी हैं वो खुद बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी चाइना से डरते हैं, तो सारा देश जानता है। जब इनकी पार्टी के लोग ही बोलने लगे तो आप पूछिए डॉक्टर स्वामी से जाके कि क्या क्या बता रहे हैं इनके बारे में। लेकिन जिस तरीके से जो किसान प्रधानमंत्री से गुहार लगाने आ रहे हैं, और वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यूएई निकल चुके हैं, उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं झोला उठा के चला जाऊंगा अपने देश में, वहाँ किसानों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं और ये झोला उठा के जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए देश के मुखिया को। मैं कहूँगी कि सबसे सच में कायर प्रधानमंत्री हैं, उद्योगपति से डरते हैं, 2-4 उद्योगपतियों के नीचे कठपुतली बन के घूम रहे हैं, अपना देश को बर्बाद कर दिया, देश की, जिसने अपने देश की सेनाओं को भाड़े पे कर दिया।
मनरेगा की तरह, जैसे मनरेगा का कि तुम्हें 200 दिन दिहाड़ी मिलेगी, 100 दिन दिहाड़ी मिलेगी, वैसे ही फौज को कर दिया कि तुम 4 साल के लिए नौकरी कर सकते हो, फिर तुम घर जाओ। ना तुम्हें देश का सिपाही का रैंक मिलेगा, ना तुम्हें एक सर्विसमैन कहलाओगे, ना तुम्हें कोई सुविधा मिलेगी। अगर तुम वहाँ शहीद भी होगे तो तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। दुख होता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। जाहिर तौर पर देखा जाता है कितना दुख है मतलब किसानों के अंदर, जो अपनी मांग रखने गांव से, जो खेती बाड़ी छोड़ के अपनी मांगों को रखने दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनके लिए इस तरीके से आंसू के गोले बरसाए जा रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हम फकीर हैं, झोला उठा के चले जाएंगे, वहाँ देश की हालत एक तरफ देखी और वहीं जो प्रधानमंत्री हैं वो UAE निकल चुके हैं अपने सफ़र करने के लिए, किसानों को ऐसे ही छोड़ के। तो अब आपकी क्या राय है इस पर, क्या किसानों को दिल्ली पहुँचने दिया जाएगा? लेकिन चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं कि बॉर्डर तक सील कर दिए गए हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।